हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिंदगी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और फाइनली अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। बीएससी वालों का इंतज़ार था, वो भी ख़त्म हो चुका है और बीएससी का सिलेबस आ चुका है। आप सभी ने सिलेबस देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आप सभी को बता देता हूं। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर पास कोर्स, बीएससी ऑनर्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, बीसीए, सबका जो यहाँ पर सिलेबस है वो आउट हो चुका है। तो यहाँ पर बीएससी साइंस स्ट्रीम का सिलेबस आ चुका है तीनों सालों का। इसके अलावा एमएससी का पहले ही आ चुका था, तो अब साइंस स्ट्रीम का यूजी और पीजी का सिलेबस भी आ गया। आर्ट्स का पहले ही आ गया था, कॉमर्स का भी आ गया था और फाइनली साइंस का भी आ गया। सिलेबस आ गया, हमने देख भी लिया, कुछ भी चेंज नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं, कुछ भी जुड़ा नहीं, कुछ भी हटा नहीं। एज इट इज सिलेबस वैसा ही है जो लास्ट सेशन में था, वही सिलेबस चिपका दिया है। हम वेट कर रहे थे कि यार कम से कम बीएससी में तो सिलेबस कम होना चाहिए। बीएससी का भी कम नहीं किया, किसी भी स्ट्रीम का सिलेबस कम नहीं किया। बीए का भी वही है, बीकॉम का भी वही है, बीएससी का भी वही है। तो अब कॉलेज के सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि अब तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दें। जो पढ़ रहे हैं आप, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि कुछ भी नहीं हटा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बीएससी फर्स्ट ईयर की यहां पर बात करूं तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर आपके होने वाले हैं। एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होंगे, एक पेपर 33 नंबर का, दूसरा भी 33 नंबर का और तीसरा पेपर आपका 34 नंबर का होगा। इन टोटल आपके 100 मार्क्स की थ्योरी होने वाली है, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, तो 150 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट होगा। तो यही पैटर्न है, वही यूनिट है, पूरी 5 यूनिट आने वाली है। यूनिट भी सेम ही है, टॉपिक भी सेम ही है, सब कुछ सेम है, एज इट इज है, कुछ भी हटाया नहीं है। तो ये थोड़ा हमें बुरा भी लगा है कि यार हम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि सिलेबस कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं हुआ, बीएससी का भी नहीं हुआ। तो अब जो हमारा एक हम जो कयास लगा रहे थे कि लंबे समय से कि सिलेबस कम हो, लेकिन नहीं हुआ है। स्कूल वालों का हुआ, उनके मजे हो गए, लेकिन हम दुखी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत तो कम होता है, चाहे 20% 30% कम करते, लेकिन सिलेबस को कम करते। लेकिन सिलेबस कम नहीं हुआ है राजस्थान विश्वविद्यालय का, सभी स्ट्रीम का, सभी कोर्सेज का, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, किसी का भी सिलेबस कम नहीं किया है, सेम ही है। तो आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो। अब आप सोच सकते हो कि सिलेबस आ चुका है, फर्स्ट ईयर के फॉर्म चल रहे हैं, 15 तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब बारी है आपकी एग्जाम की। तो इस बार कॉलेज की एग्जाम नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, आईआईटी, नीट, क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट पर। या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लास, अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नट ऐप पर, आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउट नट ऐप। यानी यूजी और पीजी के जो एग्जाम है वो कब होगी, तो आप सभी को बताया कि लगभग 1.5 या 2 महीने का प्रोसेस होता है आपका। यहां पर फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपका टाइम टेबल आएगा, एडमिट कार्ड आएंगे, तो लगभग 1.5-2 महीने के बाद में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली आपकी एग्जाम मई स्टार्टिंग में ही होगी और मई स्टार्टिंग में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपकी जो प्रिपरेशन है वो जोर शोर से बढ़ जानी चाहिए। यानी अब जो आप पढ़ रहे हो उसमें ज्यादा समय दो पढ़ाई में, कॉलेज की तैयारियों में ज्यादा समय व्यतीत करो, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। जो स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि सिलेबस कम होगा, उनको अब ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वैसे मैंने आपसे बोल दिया था कि सिलेबस कम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने देख लिया बीए का भी कम नहीं हुआ, हमने देख लिया कॉमर्स का भी नहीं हुआ, हमने देख लिया पीजी का भी नहीं हुआ, तो भैया यहां पर बीएससी का भी नहीं हुआ। तो अब जो सिलेबस है उसी के साथ हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना रहा हूँ, आपके जो टिप्स बताए मैंने काफ़ी सारी की, इन टिप्स को आप फॉलो करें, सॉल्ट पेपर पढ़ें, इसके अलावा आप कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, बार बार रिपीट करें चीज़ों को, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं एक वीडियो लेके आऊँ आप सभी के लिए, जिसमें खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था, मेरे अच्छे नंबर कैसे आए, मैं किन किन चीज़ों पर ध्यान देता था, कौन सी यूनिट को ज़्यादा पढ़ता था, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, जिसको आप जरूर देखना। तो आप सभी को बताया 8 फरवरी से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है, आपके लिए कॉलेज ओपन हो रहे हैं, आप कॉलेज जाएंगे और आपकी पढ़ाई होगी ऑफलाइन, तो आपको ज्यादा समय खराब नहीं करना है। वैसे ऑफलाइन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है,
स्पेशली साइंस के विद्यार्थियों के लिए जो प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड भी बनाना होगा, आपको सीखना भी होगा, क्योंकि एग्जामिनर आएगा, आपका प्रैक्टिकल होगा, वाइवा भी होगा, रिकॉर्ड भी चेक होंगे आपके, तो सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल की नॉलेज लेना भी जरूरी है, और प्रैक्टिकल नॉलेज आप ऑनलाइन तो ले नहीं सकते, आपको ऑफलाइन ही प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होगी। तो आप कॉलेज में जाएं, प्रैक्टिकल करें और चीज़ों को सीखें कि कैसे क्या होता है, प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीज़ों को, सारे एक्सपेरिमेंट को करना सीखें, जिससे कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दो या प्रैक्टिकल आपके हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएँ। प्रैक्टिकल में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, तब जाके आपकी एग्रीगेट परसेंटेज अच्छी बनने वाली है। तो यहाँ पर आप तैयारी करें, सिर्फ प्रैक्टिकल में ध्यान दें, थ्योरी में भी ध्यान दें। अगर आपकी क्लासें लग रही हैं ऑफलाइन, आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो आप पढ़ाई में ध्यान दें, मौज मस्ती कम करें, ज़्यादा नहीं करें, समय नहीं है एग्जाम में। एग्जाम मई के स्टार्टिंग में ही होगी, तो आपको तैयारी में अब ज़्यादा समय बिताना है, ज़्यादा व्यतीत करना है समय, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए, और फटाफट से सारी चीज़ों को आप याद करना शुरू कर दें। बुक्स ले आएँ, सॉल्ट पेपर ले आएँ, सीरीज लाना है तो सीरीज ले आएँ, जो भी आप मटेरियल लेके आए पढ़ने के लिए वो फटाफट से लेके आ जाएँ, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। बहुत जल्दी आपके सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। तो अब आपका फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है हर चीज का, हर सस्पेंस का, सस्पेंस दूर हो गया, सिलेबस में कुछ भी कटौती नहीं हुई है, अब जो सिलेबस है वो ही पढ़ना है। तो मेरे सभी भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, मुझे उम्मीद है राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी मेरे राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो सभी अच्छे से मेहनत करेंगे और तैयारी में जुट जाएंगे, जिससे आने वाली एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाओ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।